दोस्तों गॉडफादर फर्स्ट डे फर्स्ट शो आ चुके हैं दोस्तों हम सिनेपोलिक्स में। अभी गाइस यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि बहुत ज़्यादा गाइस कम लोग हैं, मतलब परिंदा भी पर नहीं मार रहा, ऐसा आलम हो चुका है। सलमान खान का नाम मतलब यूज़ किया गया है और इसको हिंदी में रिलीज़ किया गया है। यहाँ पर बहुत से गाइस बड़े बड़े सुपरस्टार की मूवी इस 2022 में गाइस पिटी है, जबकि उनका फुल रोल है। यहाँ पे सलमान खान को यूज़ करने के बावजूद भी दोस्तों यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं दिखाई दिया। तो गाइस आज का हमारा वीडियो थोड़ा अलग सा होगा, हम आपको थोड़ा पूरा मॉल गाइस दिखाएंगे, बाकी देखेंगे कितने लोग आए हैं। लेकिन बुक माई शो में ओनली 4 दिखा रहा है, आपको गाइस दिखाई दे रहा होगा ये जो मॉल है कुछ इस तरीके का है। बाकी दोस्तों हम लिफ्ट में बैठ चुके हैं, आप बैठ चुके हैं मतलब लिफ्ट में, सीढ़ी वाले लिफ्ट में हम चढ़ चुके हैं। बाकी गाइज आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे पोस्टर काफ़ी लगे हुए हैं और कई नई नई मूवी के पोस्टर लगे हुए हैं। बाकी देखते हैं कि भाई गॉडफादर का पोस्टर है या नहीं। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एक पोस्टर गॉडफादर का लगा हुआ है। बाकी देखते हैं हमारे अलावा यहाँ पे और कोई है या फिर सिर्फ मैं। अरे तुम कैसे आ गए भैया, क्या हो गया? हमने तो आना ही है, पास में यही लग गई है वो। देखो इनको साफ बोल देते हैं, हम लोग साथ ही आए हैं। हाँ। ऐसी कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। लोग कितने आए हैं हमारे अलावा, कोई है? एक आ गया। दो दिखा रहा है ऑनलाइन, तो अभी एक ही आया, दूसरा अभी हुई नहीं है। मतलब कभी हम पूरा मॉल देखो खाली पड़ा है। ये देखो भैया यहाँ पे पोन्नियिन सेल्वन के आदि पुरुष के भी पोस्टर लगे हुए हैं। तो कहने की बात यह है कि मतलब भाईजान की मूवी और मामला शांति शांति, थोड़ा अजीब सा लगता है। छुट्टी का दिन और दशहरा का दिन दिखा दो रावण की फोटो, वो देखो भैया रावण की फोटो वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। पूरा मॉल खाली पड़ा है, पब्लिक आनी चाहिए। हालांकि मॉल हालांकि नीचे आप देखो एक बार, हाँ? ये जो पूरा मॉल है ये भी परिंदा पर नहीं मार रहा। थिएटर की बात तो अलग, लोग भी नहीं है, लोग भी नहीं है। तो मतलब क्या ऐसी मतलब कमी है जो लोग फिल्म देखने नहीं आ रहे? शो सिंगल स्क्रीन पर तो मिले ही नहीं है, ठीक है। और बाकी जो मिले हैं नोएडा NCR बहुत दूर दूर मिले हैं, दिल्ली में ना के बराबर। हाँ शो फिर भी पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन क्या है बहुत दूर दूर है लोग आते हुए सोचेंगे अभी। यहाँ तो बाकी क्या लगता है कि कैसी होगी मूवी, उम्मीदें हैं कुछ? भाई जाना है 10 मिनट के लिए हो चाहे, फिल्म चलनी चाहिए। 10 मिनट का रोल? हाँ 10 मिनट का रोल है, फिल्म अच्छी होनी चाहिए। बाकी चिरंजीवी साहब ठीक है, वो भी पिछली पिक्चर जो है थोड़ी ख़राब हुई थी। हाँ नरसिम्हा रेड्डी आचार्य तो अभी आई थी ना, पर वो हिंदी में नहीं आई थी, तमिल में आई थी। हिंदी में जो थी नरसिम्हा रेड्डी। लेकिन इसमें इस मूवी में एक दाग है भैया, रीमेक है क्या? हाँ ये तो मुझे मालूम पड़ गया रीमेक है। इसके साथ क्या हुआ? देखो क्या होता आपकी बात, पब्लिक के हाथ में। विक्रम मेरा के साथ क्या हुआ, मतलब कई जगह चली, 3 दिन चली और वो भी थोड़ी बहुत ख़राब हो रही है। विक्रम मेरा मतलब ख़राब हो रही है, देखो भाई कम से कम भी डे वन में 20-25 करोड़ तो होना चाहिए था, जबकि फिल्म वो अच्छी थी। हाँ ओरिजिनल से थोड़ी बहुत अच्छी थी, डिफरेंस तो अच्छा। मुझे उम्मीद है भाई राम सेतु से, अब तुम्हारा क्या कहना है? थैंक गॉड तो मुझे लग रहा है कि ऐसी जाएगी वो राम। थैंक गॉड भी इतनी वो नहीं चलेगी। हाँ राम सेतु है, आदि पुरुष भी बहुत हंगामा मचा हुआ। आदि पुरुष का क्या हो गया ये देखो पोस्टर, समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आया। राम के रोल में जचा नहीं है ये, और रावण के रोल में वो भी अच्छा नहीं लग रहा हमारे को। वो लग रहा है फैशनेबल रावण है। हाँ उससे बढ़िया तो ये अच्छे लग रहे हैं पुतले रावण के, ये देख लो 3 रावण लगे हुए यहाँ पे। हाँ जी सबसे एक एंड में ब्लैक कर दिया जी, एक ब्लैक कर दिया, लगता है वो सैफ अली खान ही होगा। बाकी क्या लगता है तुम्हें मूवी के बारे में? देखेंगे। एडवांस बुकिंग बताना चाहता हूँ दोस्तों, इसकी एडवांस बुकिंग लगभग 7 करोड़ रुपए की हो चुकी है ऑल लैंग्वेज की। और लास्ट टाइम जो एडवांस बुकिंग मतलब आचार्य जो आई थी चिरंजीवी साहब की, वो पहुंची थी 12-15 करोड़ रुपए, और उसने 50 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ठोका था। इसकी लगता है कि कमाई थोड़ी कम होगी, मुझे लगता है कि 30-35 करोड़ रुपये अगर कमा ले तो सही बात हो जाएगी। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या होता है। शो तो बढ़ गए हैं ना आपकी बात, शो रात को शो तो कम से दिए थे 21 अब हो गए 190 के करीब, यानी 200 दिल्ली के करीब आ गए, 190 मैंने गिने हैं। दिल्ली NCR? हाँ दिल्ली NCR मतलब बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है। घुमा देखिए शो ऐसी जगह है दिल्ली NCR में ज़्यादा, दिल्ली में कम है। हाँ ये गलत हो गया, नोएडा ग्रेटर नोएडा साहिब है 4 बजे 7 बजे 9 बजे, अरे सवेरे 12 बजे 3 बजे दोपहर के 2 बजे ऐसे भी तो रखो ना कि फैमिली आ जाए और फिर रामलीला देखे अपनी। तो देखो भाई शाम को वो पिक्चर देखने के बाद देखेंगे, बताओगे ना मूवी बिल्कुल मूवी कैसी है कैसी नहीं है ना। और अच्छी निकले हम तो कहते हैं अच्छी निकले, पैसे बर्बाद ना हो, दूर आए हैं और पैसे बर्बाद। 30-40 किलोमीटर दूर आए भाई साहब, चलो ठीक है दोस्तों। पब्लिक को गांजा भटूरे वाला था,
हाँ अभी भटूरा खा के आए हैं हम, एक ऐसे जबरदस्त वाला, उसका नाम है अफीम भटूरे वाला, सहादरा का फेमस, सादरा का फेमस है भैया, सादरा का फेमस, और चार तीन ब्रांच है उनके, और भाई मजा आ गया खाने में। अगर खाना है बड़ी मुश्किल से मिले भटूरे, और लाइन कैसे लगती है? 9 बजे के बाद भटूरे ही नहीं है जी, और उसके लिए मुझे 7:30 बजे आना पड़ा। चलो ठीक है, फिर मूवी देखते मिलते हैं फिर, है ना? चलो आओ।